एनपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से चरणबद्ध तरीके से दिल्ली में आगामी 28 जनवरी से उपवास करेंगे। एनपीएस कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। यदि शीघ्र ही उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो इसके परिणाम 2019 के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। एनपीएस कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अब अपने तेवर उग्र कर लिए हैं। रविवार को एनपीएस कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर रणनीति बनाने के उद्देश्य से शिमला में एक बैठक आयोजित की। इस मौके पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राज्य मुख्य प्रवक्ता कुशाल शर्मा ने कहा कि 14 दिसंबर 2018 को धर्मशाला तपोवन में मुख्यमंत्री को एनपीएस कर्मचारियों ने अपनी मांगों से अवगत करवाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट में शामिल एनपीएस के मुद्दे को लेकर पेंशन समिति के गठन की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की है। उन्होंने कहा कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही प्रदेश सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि एनपीएस कर्मचारी दिल्ली में 28 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से उपवास करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी एनपीएस कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली जाएगी। एनपीएस कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो 2019 के चुनाव में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। तक सरकार का कोई ऐसा रुझान नहीं आया, क्योंकि जो मांगे हमने रखी थी पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर के और जो सेंटर के लाभ जो है एनपीएस के कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं, जिसमें डिसेबिलिटी और कैजुअलिटी होने पर उनको फैमिली पेंशन का प्रावधान है, उस पर कोई भी इस तरीके से ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई एसोसिएशन को बुलावा आया है। यद्यपि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो विजन डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बात करी थी कि पेंशन समिति बनेगी, उसको गठन करने का उन्होंने वहाँ पर अपनी वचनबद्धता दर्शाई थी, लेकिन अभी तक वो कमेटी के बारे में कोई भी सरकार की इस पर कोई पहल नहीं हुई। और मैं कह दूँ कि जैसे दिल्ली में भी हमारा आयोजन हुआ था 26 नवंबर 2018 को, दिल्ली में बहुत बड़ी महारैली हुई थी जिसमें विभिन्न राज्य के लाखों कर्मचारियों ने भाग लिया, और उसमें उसके पश्चात जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहाँ से जो 10% अंशदान एनपीएस कर्मचारियों को मिलता है उसको बढ़ा करके 14% किया, और जो कर्मचारियों को कतई मंजूर नहीं है। इस संदर्भ में हमने पुनः जो है मुख्यमंत्री और देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं उनको हम स्पष्ट ये कहना चाहते हैं एसोसिएशन की तरफ से, बहुत जल्दी ही दिल्ली में 28 जनवरी से जो है जितने भी राज्य है वो चरणबद्ध तरीके से जो है वहाँ पर उपवास करेंगे, और जो है सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आप जो है 2019 से पहले जो है देश में पुरानी पेंशन को बहाल करें। और हमारा प्रदेश सरकार से ये आग्रह रहेगा जो एनपीएस के कर्मचारियों को केंद्र के लाभ मिलते हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है उनको दिए जाए, और साथ में पुरानी पेंशन समिति एक बनाई जाए, गठित की जाए, जिसमें जो है हमारे जो एनपीएस के पदाधिकारी है उनको भी सम्मिलित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।